मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आगे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल हैं। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे, उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है, तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहां तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी, जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर घटना है और इसको बहुत ही सरकार ने सीरियसली लिया है और इसके तह तक पहुंचकर हम लोग जांच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट कितने दिनों में मांगी है आपने? देखिए, अभी उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन उसकी डिटेल रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा।